हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। सो उम्मीद करता हूं आप सभी फिट एंड फाइन हो गए। आज के दिन की शुरुआत करेंगे स्टैटिक जीके के साथ। स्टैटिक जीके के आज टॉप 10 एमसीक्यूज लेकर आया हूं जो कि आपके साइंस से जुड़े हुए हैं। तो अल्टीमेटली आज हम लोग साइंस के एमसीक्यूज करने वाले हैं, और जो भी हमारे साथ न्यू एस्पिरेंट जुड़ रहे हैं वो लोग ध्यान रखें इस बात का कि आप सुबह 4 बजे मेरे करंट अफेयर फॉलो कर सकते हो। मेरे दो चैनल है, पहला चैनल है वरुण अवस्थी जिस पर आप अभी क्लास देख रहे हो, और दूसरा चैनल है वरुण अवस्थी करंट अफेयर। तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। डेली सुबह 4 बजे यहां पर मेरे करंट अफेयर आते हैं। सुबह 5 बजे स्टैटिक जीके आपको यहां पर मिलती है, जो कि सेशन आप इस टाइम पे अटेंड कर रहे हो। और अन अकेडमी पर आप मेरा फुल कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हो, फुल जीएस जीके का कोर्स, जहां पर मैं आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इको सब कवर कराता हूं, और साथ में करंट अफेयर भी पूरा कोर्स कवर कराता हूं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो वरुण 777 कोड के साथ। अगर आप ये लगाते हो तो इस टाइम आपको कई सारे ऑफर्स चल रहे हैं, वो सारे ऑफर्स अवेल करने को मिल जाएंगे। साथ में एक और ऑफर है, अगर आप रेलवे और एसएससी का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आप ये भी ले सकते हो, जिसमें आपको 70% का ऑफ मिल जाएगा ये कोड लगाने पर, साथ में 10% डिस्काउंट, वो तो बाय डिफॉल्ट है ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आपसे कह रहा है ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज नोन एज, आपसे कह रहा है कि जो मधुमक्खियां होती हैं इनकी जब आप ब्रीडिंग करते हो और मैनेजमेंट करते हो तो इसको क्या कहा जाता है, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिसीकल्चर, एपीकल्चर या फ्लोरीकल्चर। ध्यान रखिएगा, जब मधुमक्खियों का उत्पादन करते हो, मतलब मधुमक्खियों का, जहां पर भी देखिए कल्चर वर्ड यूज होगा ना, तो कल्चर वर्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का मतलब यह है कि मधुमक्खी पालन करके ही आप उनका प्रोडक्शन कर सकते हो ना, इसको बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर इसको बोलते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो सिल्क वॉर्म का जब आप प्रोडक्शन करते हो, जो रेशम का जो कीड़ा होता है उसका प्रोडक्शन करते हो तो उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। जब ट्रीज का प्रोडक्शन करते हो तो उसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर। इसी तरीके से जब आप मछली पालन करते हो या मछली उत्पादन करते हो तो उसको बोलते हैं पिसीकल्चर। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो मधुमक्खियों की ब्रीडिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, ये तो आपके सामने आंसर हो गया एपीकल्चर। और फ्लावर्स, जब आप फूलों का उत्पादन करते हो तो उसको बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। तो हमारा आंसर है इसमें फोर्थ वन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपसे बोल रहा है कॉन्ग्लोमेरेटेड ग्लैंड इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन व्हाट, आपसे कह रहा है कॉन्ग्लोमेरेटेड ग्लैंड, ये जो है मतलब ये एक ग्रंथि है जिसका नाम है कॉन्ग्लोमेरेटेड। ये कॉन्ग्लोमेरेटेड ग्लैंड जो है ये पत्ती की तरह स्ट्रक्चर रखती है, ये इनमें से किस में पाई जाती है। तो यहां पर देखिए पत्ती जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, और ये किस में होती है, ये होती है मेल कॉकरोच में। किस में होती है, मेल कॉकरोच इज द राइट आंसर। मेल कॉकरोच में आपको पता है, जब यहां पर आप इसका ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे जिसको आप कॉन्ग्लोमेरेटेड ग्लैंड बोलते हो, ये आपका रिप्रोडक्शन से ही जुड़ा हुआ इसका हिस्सा है। मतलब मेल कॉकरोच इस हिस्से का यूज रिप्रोडक्शन के लिए करता है, जैसे कि आप इस हिस्से में यहां पर देख सकते हो, जो इसका ये वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड स्यूडोपेनिस, इसको बोला जाता है, ठीक है, जो कि इसका रिप्रोडक्शन ऑर्गन है। साथ में यहां पर आप देखते हो जैसे कि ह्यूमन में टेस्टिकल्स होते हैं, उसी तरीके से टेस्टीज हैं यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सब मेल कॉकरोच के रिप्रोडक्शन ऑर्गन है, जो कि किसके अंदर आते हैं, इस ग्लैंड के अंदर आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेटेड ग्लैंड। ओके, कॉन्ग्लोमेरेटेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि पत्ती की तरह इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल ऑर्गन, आपको पता है वेस्टिजियल ऑर्गन किसको बोलते हैं। वेस्टिजियल वर्ड बना हुआ है वेस्ट से, वेस्ट का मतलब जिसका कोई यूज ना हो। अब तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन जिनको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन आज की डेट में बोलते हैं, बट अगर मूलता देखा जाए तो ये ऑर्गन पूरे तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। जैसे कि हमारे पेट में जो अपेंडिक्स होता है, आज की डेट में डॉक्टर्स उसको बोलने लगे हैं कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन क्या सोच के देखो, अगर ये पूरे तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन है तो हमारी बॉडी के अंदर आया कैसे, ये हमारी बॉडी में कर क्या रहा है ऑर्गन, भगवान ने इसको बनाया ही क्यों, उत्पत्ति ही क्यों हुई इस ऑर्गन की। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में उसका यूज थोड़ा सा कम हो गया है, इस वजह से हम लोग उसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। लेकिन आप पूरे तरीके से ये नहीं बोलते, बोल सकते कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी ऑर्गन है तो वो पूरे तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन है। बात आ रही है समझ। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो आपको ध्यान रखना है ये है विजडम टीथ। विजडम टीथ जिसको हिंदी में बोलते हैं अकल दाढ़, विजडम टीथ आपका वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है।
साथ में इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ये जितने भी यहां पर दिखाए गए हैं ये सारे आपके वेस्टिजियल ऑर्गन है। जैसे कि अगर बात करी जाए यहां पर लिखा हुआ है डार्विन्स पॉइंट ऑफ ईयर, तो कान का ये जो डार्विन्स पॉइंट है ये, तो कान का डार्विन्स पॉइंट कौन सा है, ये वाला हिस्सा डार्विन्स पॉइंट है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ये हिस्सा अगर किसी का डैमेज भी हो जाता है तो उस इंसान की मृत्यु नहीं होती या फिर उस इंसान को सुनाई कम पड़ने लगे ऐसा नहीं होता, तो ये वाला हिस्सा क्या है, ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है कान का, जिसको डार्विन्स पॉइंट बोलते हैं। दूसरा विजडम टीथ तो हो गया, अकल दाढ़ जिसको बोलते हैं, अपेंडिक्स जिसके बारे में अभी मैंने बात करी थी, शरीर में आपके जो बाल होते हैं जो बॉडी हेयर होते हैं ये भी आपके क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसके बाद इसको ईयर की जगह आईज कर लीजिए, आईज के जो मसल्स होते हैं मतलब कहने का ये वाला हिस्सा ऊपर भौं के नीचे वाला हिस्सा, अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या आपको दिखना बंद हो जाएगा, आंसर है नो, आपको दिखना बंद नहीं होगा, तो आई मसल्स भी आपके वेस्टिजियल ऑर्गन है। साथ में टॉन्सिल्स ये भी आपके वेस्टिजियल ऑर्गन है, मेल निपल्स ये भी आपके वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन ध्यान रखिएगा मेल निपल की यहां पर बात हो रही है। नेक्स्ट है यहां पर कॉकिक्स, कॉकिक्स क्या होती है, ये आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट वाला हिस्सा यहां पर जहां से पूंछ निकली होती है बंदरों के, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के लास्ट वाला हिस्सा जो होता है दैट इज कॉल्ड कॉकिक्स, ये भी आपकी आज की डेट में क्या है, आप इसको लास्ट में टच करोगे आपको समझ आ जाएगा कॉकिक्स क्या है, ये भी आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है, इधर पीछे की तरफ होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड इंसेक्ट्स आर, आपसे कह रहा है जो पक्षी होते हैं उनमें जो विंग्स होते हैं उनके जो पंख होते हैं वो क्या है, उनके कैसे ऑर्गन है, तो आपको ध्यान रखना है इनको हम लोग बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन, क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन। अब बहुत ध्यान देना यहां पर, एनालॉगस ऑर्गन क्यों होते हैं पक्षियों के विंग्स, एनालॉगस ऑर्गन वो होते हैं जो कि तरह तरह के प्राणियों में आपको अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखेंगे लेकिन काम उनका एक ही होगा। जैसे कि यहां पर आप देखिए एक चिड़िया, कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं या पक्षी ऐसे होते हैं जिनके पंख इस तरीके के होते हैं, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनके पंख इस तरीके के होते हैं, और कुछ कीट पतंगे ऐसे होते हैं जिनके पंख इस तरीके से होते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो पक्षियों में ऐसे होते हैं पंख, चमगादड़ का पंख ऐसा होता है, और इंसेक्ट्स में मतलब कीट पतंगों में इस तरीके के पंख होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीके के पंखों का काम तो एक ही है ना, और ये काम क्या है, उड़ना, ये तीनों उड़ने का काम करते हैं, बात आ रही है समझ, तभी मैंने बोला एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन जिनका शेप अलग अलग होता है अलग अलग प्राणियों में अलग अलग पक्षियों में लेकिन उनका काम एक ही होगा, चाहे किस भी तरीके का पंख हो लेकिन यूज इसका उड़ने में ही किया जा रहा है। अब समझिए होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन ऐसे होते हैं जो दिखते एक जैसे हैं, जिनका शेप लगभग एक जैसा होता है लेकिन इनकी फंक्शनिंग अलग अलग होती है, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, जैसे कि इंसानों की आप हड्डी देखोगे और ये देखिए चीता की हड्डी, लेकिन दोनों की फंक्शनिंग अलग है, लगभग आपको एक जैसी दिख रही है लेकिन फंक्शनिंग अलग अलग है, इंसान दूसरे तरीके से इसको काम करता है और चीता इसको दूसरे तरीके से यूज में लाता है, चीता इसी से स्पीड बना लेता है, क्या इंसान उतनी स्पीड बना पाएगा इसमें, बात आई समझ, या फिर इंसान जिस तरीके से चीजों को उठा लेता है हाथ में क्या चीता चीजों को पिक कर सकता है, उठा सकता है हाथ से, नहीं कर सकता, दोनों की फंक्शनिंग सिंपली डिफरेंट है। इसी तरीके से व्हेल, व्हेल में भी आपको लगभग इसी तरीके के जॉइंट देखने को मिल रहे हैं लेकिन है क्या, वो उसका फंक्शन दूसरे तरीके से करती है, यूं यूं करके आगे बढ़ने के लिए उसका यूज करती है, जैसे नाव में चप्पू लगा रहता है उसी तरीके से। तो आप यहां पर देख रहे हो होमोलॉगस ऑर्गन किसको बोलते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो कि देखने में लगभग एक जैसे होते हैं, शेप में एक जैसे होते हैं लेकिन फंक्शनिंग सबकी अलग अलग है, और एनालॉगस मतलब क्या है, जहां पर शेप अलग अलग है लेकिन फंक्शनिंग एक है। अब देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन अभी मैं आपको बता चुका हूं जिनका बहुत ज्यादा यूज नहीं है बॉडी में, और वेस्टिजियल ऑर्गन का ही दूसरा नाम क्या है, इन्हीं को रूडिमेंट्री ऑर्गन्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, आपसे कह रहा है जो पक्षी हैं या पतंगे हैं इंसेक्ट्स हैं मतलब उनके अगर पंखों में पानी गिर जाता है तो वो पानी तुरंत उतर जाता है पंखों से, किसकी वजह से, ये वैक्स की वजह से होता है ऐसा, इनके पंखों में वैक्स होता है जिसकी वजह से पक्षियों के पंखों में अगर पानी गिरता है तो वो वैक्स की वजह से पूरा उतर जाता है। अब समझिए वैक्स अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो इनके पंख गीले हो जाएंगे, और अगर पंख गीले हो गए बारिश में तो इन्हें उड़ने में दिक्कत होगी। मुझे खुद बताइए अगर पंख गीले होंगे तो उसमें वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और अगर वेट बढ़ेगा तो वो उड़ पाएंगे, नहीं उड़ सकते, इसी वजह से पक्षियों के पंखों में क्या होता है, वैक्स होता है जो कि पानी को रुकने नहीं देता है, पूरा पानी उतर जाता है।
अच्छा एक चीज यहां पर और ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, विंग्स ऑफ बर्ड्स आर, जो पक्षियों के जो विंग्स होते हैं, जो इनके पंख होते हैं, ये इनमें से किस तरीके के लिम्स है? तो इनको बोला जाता है मॉडिफाइड फोर लिम्स। इसको मॉडिफाइड फोर लिम्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि पक्षी इसका तरह तरह से यूज करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब तेज उड़ना होता है तो पक्षी उसका इस तरीके से यूज करते हैं, लेकिन जब स्टेबल होना होता है हवा में तो यूं करते हुए वो उसको सीधा कर लेते हैं, यूं करके उड़ते हैं। एक चीज और, ये मॉडिफाइड फोर लिम्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि पक्षी अपने पंखों का यूज सिर्फ उड़ने के लिए ही नहीं करते हैं, अपने आप को दिशा देने के लिए भी करते हैं। अगर पक्षी को इधर की तरफ जाना है तो वो इधर वाला पंख टिल्ट कर लेगा और इधर की तरफ मुड़ जाएगा, अगर इधर की तरफ जाना है तो वो इधर की तरफ ऐसे करके मुड़ने लगेगा। बात आ रही है समझ? तो इसको मॉडिफाइड फोर लिम्स बोला जाता है क्योंकि वो अपने तरीके से इसको मॉडिफाई करते हैं फंक्शनिंग और कंट्रोल के लिए। अगला है यहां पर, पॉलिटेंट फ्रॉम मोटर कार एग्जॉस्ट दैट कॉजेस मेटल डिसीज, मेंटल डिसीज इज व्हाट? क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझा देता हूं। आपसे बोल रहा है इनमें से कौन सी चीज है जो कि मोटर गाड़ी के एग्जॉस्ट से आपको देखने को मिलती है, मतलब जिसकी वजह से आपको मेंटल डिसीज हो सकती है? यह है लेड। जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है उसमें लेड पाया जाता है और ये इतना विषैला होता है कि ये सीधे आपको मेंटल डिसीज देता है, आपको दिमागी बीमारियों तक पहुंचा देता है। एक क्वेश्चन आपसे और कई बार पूछता है साइंस से कि जो बुलेट होती है उसके अंदर क्या होता है जो कि पॉइजनस होता है, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है गोली लगने से? तो बुलेट के अंदर लेड होती है। एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी अगर मेटल बुलेट होगी जिसके अंदर लेड नहीं होगा, अगर ये गोली चलाई जाती है तो ये विषैली नहीं होगी, इससे इंसान की जान बच सकती है। लेकिन अगर लेड वाली जो बुलेट है ये भले ही साइज में छोटी हो लेकिन इंसान की मौत इससे हो सकती है। रीजन क्या है कि इसमें लेड लगा होता है और ये लेड इस तरीके से बिखेरती हुई जाती है और ये पॉइजनस होता है, ये बॉडी में जब जाता है तो ये तुरंत क्या करता है, पॉइजन फैला देता है आपकी बॉडी में ब्लड के कंट्रोल में आते ही। अगला क्वेश्चन है, द प्लांट्स वॉटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स बाय अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? आपसे कह रहा है जो पौधे होते हैं वो जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, जड़ों के हेयर से, मतलब ये हो गई आपकी जड़, ठीक है, और जड़ों में क्या है, हेयर्स होते हैं, इस तरीके से बाल निकले होते हैं। तो आपसे क्या कह रहा है, रूट हेयर के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो जब पानी को एब्जॉर्ब करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ही वो प्रोसेस है जिसके तहत पौधे क्या करते हैं, जब आप पौधों को पानी देते हो तो पौधों की जो जड़ें होती हैं, जड़ें क्या करती हैं, वाटर मिनरल्स को अपनी तरफ अवशोषित करने लगती हैं, खींचने लगती हैं, और उसके बाद यही वाटर मिनरल्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये जो वाटर मिनरल्स और पानी के वेपर्स को ऊपर ले जाने का काम करता है, ये क्या होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं जैलम। क्या बोलते हैं? जैलम। इसको बोलते हैं जैलम, पानी को नीचे से ऊपर ले जाने का काम करता है, और फैलम फूड को ऊपर से नीचे लाने का काम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहां पर, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बाई प्लांट इज लिबरेटेड आउट ऑफ वॉट? कहने का मतलब यह है कि पौधे जो होते हैं अगर उनमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वॉटर है, ठीक है, तो वो उसको क्या कर देते हैं, वो उसको ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया के थ्रू निकाल देते हैं। मैंने आपको हमेशा स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन कराया हुआ है कि पौधों को जो आप पानी देते हो वो उसका कितने प्रतिशत यूज करते हैं, वो इसका सिर्फ 1% यूज करते हैं, 99% भाप बन के हवा में फिर से उड़ जाता है। तो यहां पर इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब देखिए यहां से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ट्रांसपिरेशन कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा ये आपको पता होना चाहिए। भैया सीधी सी बात है, एक बात बताओ मुझे, पौधे को आपने पानी दिया, ठीक है, इस पौधे में पानी ऊपर भी चढ़ गया, अब इस पौधे में हर जगह पानी पहुंच चुका है, पत्तियों में पहुंच चुका है, इसके तनों में पानी पहुंच चुका है, हर जगह है पानी। अब ये पानी धीमे धीमे भाप बन के उड़ेगा ना हवा में, तो ये कैसे उड़ता है, तो आपको देखना है किस केस में ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा मतलब बढ़ेगा और किस केस में डिक्रीज होगा। पहली चीज विंड स्पीड, अगर हवा में स्पीड आपको देखने को मिलेगी तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है जितनी हवा चलेगी उतना ही पानी सूखेगा ना। ह्यूमिडिटी, अगर नमी है, बात आ रही है समझ, तो क्या ट्रांसपिरेशन होगा, तो नहीं होगा, डिक्रीज होगा, ये जाहिर सी बात है, नमी में भाप बन के पानी कम उड़ता है। इस केस में अगर देखें लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी
तो ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर प्रकाश ज्यादा पड़ेगा तो भाप बन के पानी ज्यादा उड़ेगा ना, क्योंकि वो अपने साथ क्या लाएगा, टेम्परेचर भी लेकर आएगा। तो जाहिर सी बात है अगर टेम्परेचर भी बढ़ता है तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा। अगर वाटर सप्लाई ज्यादा है तो जाहिर सी बात है डिक्रीज होगा। मुझे बताइए अगर बारिश हो रही है तो क्या पानी भाप बन के हवा में उड़ेगा? बिल्कुल नहीं उड़ेगा, क्योंकि वाटर सप्लाई ऑलरेडी मिल रही है और इससे क्या होगा, टेम्परेचर भी तो कम होगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसपिरेशन केवल दो ही केस में घटता है। ये कब घटता है? जब आपका ह्यूमिडिटी हो, मतलब नमी हो, या फिर वाटर सप्लाई हो, तभी ये घटेगा। अदरवाइज चाहे हवा तेज चल रही हो तो भी भाप बन के पानी ज्यादा उड़ेगा, लाइट अगर है तो भी उड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो भी उड़ेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपिरेशन थ्रू लीव्स इज कॉल्ड। आपसे कह रहा है जो ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया है वो जब पत्तियों से होती है, मतलब कहने का पौधे की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों से जब पानी भाप बन के हवा में उड़ता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको यहां पर बोलते हैं फॉलियर ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? फॉलियर ट्रांसपिरेशन। अब समझिएगा बात कहां की हो रही है। जैसे ये है आपका पौधा, ठीक है, पौधे में ये लगी हुई है पत्ती, तो ये जो पत्ती वाला हिस्सा है इससे जब पानी भाप बन के उड़ेगा इसको बोलते हैं फॉलियर ट्रांसपिरेशन। बात आई समझ? यही तो आपसे पूछा हुआ है। एक चीज और ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पूरे पौधे में या पेड़ में सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन उसके कौन से हिस्से से होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, लीफ, पत्तियों से सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है। अभी मैंने आपको बताया पौधा 99% पानी को भाप बन के हवा में उड़ने देता है, केवल 1% यूज करता है। तो 99% में भी 90% जो होता है ये पत्तियों से होता है, बाकी का 9% बचा हुआ पौधे के दूसरे अंगों से होता है। अब दूसरे अंग क्या क्या होते हैं समझिए। देखिए फॉलियर ट्रांसपिरेशन उसको बोलते हैं जो लीफ से होता है, पत्तियों से, यहां पर मैं लिख देता हूं। इसके बाद है कॉलिन ट्रांसपिरेशन, ये किससे होता है, ये स्टेम से होने वाला ट्रांसपिरेशन, स्टेम मतलब तनों से होने वाला जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको कॉलिन ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। बार्क ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं, जो पेड़ के लट्ठे से होने वाला ट्रांसपिरेशन है। समझो यहां पर जैसे कि ये मैंने पेड़ बना दिया, ये मैंने पेड़ बना दिया, अब इसमें ऊपर ऐसे आपको टहनियां जाती हुई दिखेंगी, ठीक है, ओके। तो ये सब क्या है, ये हो गई स्टेम, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड बार्क। तो इस वाले हिस्से से जो ट्रांसपिरेशन होगा, इस वाले हिस्से से, इसको बोलते हैं बार्क ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब ये जो ऊपर के ट्रांसपिरेशन है, इनमें से पहला है आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जो क्यूटिकुलर है वो देखिए, ये है पत्ती और पत्ती में ये जिनको लीफ ब्लेड्स बोलते हैं, ये जो बनी हुई है, ये इनसे होने वाला जो ट्रांसपिरेशन है इसको बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। दूसरा है यहां पर आपका, इसको बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन वो होता है जो कि लेंटिकल से भाप बन के पानी उड़ता है। लेंटिकल मतलब आपके जो तने होते हैं, तनों में इस तरीके से आपने देखा होगा कई बार छोटे छोटे इस तरीके से दाने से पड़ने लगते हैं, ये दाने से जो आपको दिखते हैं इन्हीं को लेंटिकल्स बोलते हैं। ये दाने एक्चुअली क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो तना होता है वो अपना पानी यहीं पर स्टोर करता है इन्हीं दानों में, तो यहीं से धीमे धीमे भाप बन के पानी उड़ता रहता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, क्योंकि ये लेंटिकल से होता है। अब इसके बाद जो आखिरी है आपका, इसको बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब स्टोमेटल क्या होता है, स्टोमेटल पत्ती के बीच वाला ये हिस्सा, जैसे मैंने यहां पर आपको दिखाई ये है पत्ती, ठीक है, तो पत्ती का जो ये बीच वाला हरा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसके ब्लेड्स को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इन सबको, ये जो बीच वाला हिस्सा है यहां से जो ट्रांसपिरेशन होता है इसको बोलते हैं क्या, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। बात आ गई समझ? उम्मीद करता हूं ये छह तरीके के ट्रांसपिरेशन पूरे आपके इस क्वेश्चन में कवर हो गए हैं। मतलब देखने में ये सब क्वेश्चन है लेकिन एक एक क्वेश्चन में मैं आपको चार चार कम से कम क्वेश्चन दे रहा हूं। ध्यान रखिए बहुत अहमियत है इन क्वेश्चन की। अगर आप इस फ्री कंटेंट को, इतने प्रीमियम कंटेंट को अभी भी अवेल नहीं कर पा रहे हो तो विश्वास मानिए आप बहुत कुछ खो रहे हो। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैंने कॉन्टिनेंट की तीन क्लास आपको कराई है वो तीनों क्लास आप कंप्लीट कर लो, ऐसी वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपको कंटेंट दिया है तो जनरली आपको फ्री में तो नहीं मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग। आपसे कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के थ्रू जब रिलीज किया जाता है, मतलब पौधे जब CO2 को रिलीज करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेस्पिरेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं।
ध्यान रखिए, पौधे रात में रेस्पिरेशन प्रक्रिया करते हैं और दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस को ही हिंदी में प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस जो होता है, इसमें पौधे क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होती है, ये डे टाइम में होती है, और इसमें पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं, ठीक है। लेकिन रात में ये उल्टा होने लगता है जब रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या होता है, O2 लेते हैं और CO2 यहां पर छोड़ते हैं, ठीक है। तभी बोला जाता है ना कि पौधों के पास आपको रात में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात में वो CO2 छोड़ रहे होते हैं, आपको वो फ्रेशनेस नहीं देंगे। लेकिन रात में ये जो रेस्पिरेशन प्रक्रिया है, इसमें पौधे कर क्या रहे होते हैं, उन्होंने जो दिन में प्रकाश संश्लेषण में खाना बनाया है, उस खाने को वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं, मतलब अपनी एनर्जीज को बढ़ा रहे होते हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा, ये सभी 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज शाम को 6 बजे स्पेशल क्लास में मिलना मत भूलना। अनअकैडमी प्लस पर सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास है, ज्योग्राफी की क्लास है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं MCQs कराने वाला हूं, बेहतरीन ताबड़तोड़ तरीके से। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो YouTube के कम्युनिटी टैब पे जाइए और कम्युनिटी टैब में आपको लिंक मिल जाएगा, तुरंत रजिस्टर करिए। क्लास का अनलॉक कोड है Varun777, वहीं पर शाम को आज 6 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।